तो नमस्कार दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही टमाटर की फसल सबसे ज्यादा लगाई जाती है और टमाटर के अच्छे दाम भी हमें गर्मी में ही मिलते हैं। लेकिन जब तक किसान को रेट मिलने की बारी आती है तब तक किसानों के टमाटर की फसल में या तो फूल फल नहीं रहते हैं या तो फिर गर्मी के कारण खराब हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टमाटर की कुछ ऐसी वैरायटी के बारे में जो कि 40 से 45 डिग्री तापमान तक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस लिस्ट पे सबसे पहले आता है किसान भाइयों सिजेंटा कंपनी का 6542। तो यह टमाटर एक हाइब्रिड वैरायटी का है और यह गर्म मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। यह 40 से 42 डिग्री तापमान में जहां दूसरी वैरायटी में फूल फल लगना बंद हो जाते हैं या फिर फूल फल झड़ जाते हैं तो वहीं यह उतने ही तापमान में प्रति एकड़ के हिसाब से 20 मीट्रिक टन तक का उत्पादन हमें देता है। और साथ ही इसका फल का वजन भी 80 से 100 ग्राम के आसपास होता है और इसका फल गोल अंडाकार शेप का होता है। और वहीं दोस्तों हमें इसकी पहली हार्वेस्टिंग 55 से 60 दिन में देखने को मिल जाती है। और वहीं बात करें इसके प्राइस की तो इसका 10 ग्राम का पैकेट हमें 1800 से 1900 रुपए के आसपास मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी वैरायटी के बारे में। तो इस लिस्ट में दूसरा आता है दोस्तों सेमिनिस कंपनी का अंसल। तो यह टमाटर भी एक हाइब्रिड वैरायटी का है और गर्मी के मौसम में यह टमाटर सबसे अधिक लगाया जाता है और यह 38 से 40 डिग्री तक के तापमान में अच्छी पैदावार हमें देता है। और वहीं इसके फल का वजन भी 90 से 100 ग्राम के पास रहता है और इसके फल भी हमें गोल अंडाकार शेप के मिलते हैं और इसमें सभी फल समान पाए जाते हैं। और जिन राज्यों में तापमान 38 40 या फिर उससे ऊपर में रहता है तो यह उन राज्यों के लिए सबसे बेस्ट टमाटर माना जाता है। और वहीं हमें इसकी पहली हार्वेस्टिंग 55 से 60 दिन में मिल जाती है। और वहीं बात करें इसके प्राइस की तो इसका 10 ग्राम का पैकेट हमें 1200 रुपए के आसपास मिलता है। और साथ ही दोस्तों गर्मी के मौसम में सेमिनिस का यही हाइब्रिड टमाटर सबसे ज्यादा उत्पादन हमें देता है। अब वहीं दोस्तों बात करते हैं अपनी तीसरी वैरायटी के बारे में। तो तीसरी वैरायटी के बारे में सभी किसान भाई बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। तो तीसरी वैरायटी का नाम है हमारा सिजेंटा कंपनी का साहो। यह टमाटर गर्मी के प्रति सहनशील है और इसके फल का वजन भी 90 से 100 ग्राम के पास होता है और वहीं इसका फल चपटा और गोलाकार होता है और इस टमाटर को भी आप अधिक गर्मी वाले राज्यों में लगा सकते हैं। और वहीं बात करें इसकी पहली हार्वेस्टिंग की तो हमें 55 से 60 दिन बाद इसकी पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाती है। और वहीं बात करें इसके प्राइस की तो इसका 10 ग्राम का पैकेट हमें 1000 रुपए के आसपास देखने के लिए मिलता है। और वहीं बात करें चौथी वैरायटी के बारे में तो हमारी चौथी वैरायटी है BASF ननहेम्स आर्या F1। तो यह टमाटर भी एक हाइब्रिड वैरायटी का है और इस वैरायटी के फल भी काफी चमकदार और ठोस होते हैं और वहीं इसका फल गोलाकार होता है। और जिन राज्यों में तापमान 40 से 42 डिग्री के पास रहता है तो उस तापमान के हिसाब से इसमें फल फूल बहुत निकलते हैं और इसमें फ्रूट सेटिंग भी अच्छी देखने को मिलती है। और वहीं आप इसे 18 से 42 डिग्री तक का तापमान जिन राज्यों में होता है आप उन राज्यों में इसे लगा सकते हैं और आपको इसकी पहली हार्वेस्टिंग लगाने के बाद 65 से 70 दिन बाद मिल जाती है। वहीं बात करें इसके प्राइस की तो इसका 10 ग्राम का पैकेट लगभग हमें 500 रुपए के आसपास मिलता है। और वहीं बात करें पांचवी वैरायटी की, इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आता है हमारा सिजेंटा कंपनी का हिमशिखर। तो दोस्तों आप इस टमाटर को भी गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं और दोस्तों वहीं इसका फल का वजन हमें 80 से 100 ग्राम के पास मिलता है और इसकी पहली हार्वेस्टिंग हमें लगभग 65 से 70 दिन के बाद मिल जाती है। और वहीं बात करें इस टमाटर की तो किसान भाइयों इस टमाटर में बीमारी बहुत कम देखने को मिलती है और वहीं इसका फल का आकार भी गोल होता है और इस टमाटर में कीटों का प्रकोप भी बहुत कम होता है। और वहीं बात करें इसके प्राइस की तो इसका 10 ग्राम का पैकेट हमें 1200 रुपए के आसपास मिलता है। तो किसान भाई ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।